लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। इस चैनल विच आप सब दा एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपनूं बेनती करदा हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त कर ली साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ। जेकर वीडियो आपनूं पसंद आए तो लाइक करो, इस वीडियो नूं होरां नाल वध तों वध शेयर करो। अज असी इस चैनल पर एक नवी वीडियो लैके आप विद्यार्थियों की सेवा में हाजिर हो। पुस्तक है पंजाबी साहित्य कवितावां ते कहानियां, जिस एक कवि प्यारा सिंह सहराई उहदे लिखी दोस्ता कविता है, जिस विच सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी का जिहड़ा झलकारा मिलता है। जो कवि है वह मनुख नू दोस्ता कह के, क्योंकि जो मनुखता है दोस्ती की गल करती है, आपसी भाईचारे की गल करती है, और हरेक मनुख अपनी परस्पर दोस्ती करके एक दूजे की मदद करता है। आत्मक तौर पर भी, बौद्धिक तौर पर, रूहानी तौर पर भी, जो है ना वो दुनियावी तौर पर भी वो एक दूजे के सहायक बनते हैं। इस करके जो कवि प्यारा सिंह सहराई है वह मनुख नू दोस्ता कह के संबोधन करता है। हुण इस राही जो लोग निराश हो चुके हैं जिंदगी तो, अगे वधन तो रुक चुके हैं, या जिंदगी जिन्हां विच कोई जिंदगी बहार नहीं रही, या कोई उत्साहजनक गल, कोई उत्साहजनक टीचा, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई यात्रा नहीं है, उन्हां लोगों नू वो अगे वधन की हलाशेरी दिंदा है। वो कहिंदा है वी मनुख दे अगे तो बहुत सारियां नवीं मंजिलां पईआं ने, और मनुख ने अपनी यात्रा निरंतर जारी रखनी है, और उन्हां नवीं मंजिलां ते अपनी हलाशेरी नाल पहुँचना है। और मनुख विच बड़ी सारी सृजनात्मक शक्ति है, जे दोस्त यानी मनुख चाहे तो जिंदगी नू बदल के रख, संसार नू बदल के रख देवे, तो फिर वो जो कवि है प्यारे सिंह सहराई वो अपने दोस्त यानी मनुख नू उहदी सृजनात्मक शक्ति की सलाहना करके करदिआं कहिंदा है कि तू जिंदगी विच अगे वधना है, नवीं मंजिलां प्राप्त करनिया है, तो ही जीवन जिहड़ा वो सकारत हो सकदा। असीं इसदा मूल टैक्सट पढ़दे हाँ, असीं देखदे हाँ भी जो प्यारे सिंह सहराई है वो पहले भाग च दसदा है, जिंदगी नू पर हुंगारा दोस्ता। जिंदगी नू हुंगारा भरन का मतलब है जिंदगी का समर्थन करना, जिंदगी विच नाहवादी ना होना, जिंदगी नैगेटिविटी ना लियानी, जिंदगी च हुंगारा भरन नहीं हाँवादी होना। जिंदगी नू पर हुंगारा दोस्ता, तक जुगां दा इशारा दोस्ता। हुण जुग तेरे वल की इशारा कर रहा है, जुग तैनू पिछे नहीं खिंच रहे, जुग सिक्ख्या का युग है, नवी तकनीक का युग है, नवे सभ्याचार का युग है, अगे तो अगे वधन का युग है, नवी प्राप्तियां का युग है। यह तैनू इशारा कर रहा है कि तू मेरे वल आ, असी चढ़दियां कला वाला जीवन बतीत करिए। जिंदगी नू पर हुंगारा दोस्ता, तक जुगां दा इशारा दोस्ता। वी जुग तैनू की इशारा कर रहा है, जुग हुण तरक्कियां वाल जा रहा है, अगे वधन दी जिहनू हलाशेरी दे रहा है, और तेरी जो सृजनात्मक शक्ति है वह इत्थे तक पहुँच सकती है। तीजी लाइन विच है, नाच पैरां विच धड़के धड़के अज नवां, नाच पैरां विच धड़के अज नवां। हुण हरेक मनुख दे पैरां विच नाच धड़कदा है, चेंजेस दा, दुनियावी बदलाव दा, सोच दे बदलाव दा, हर तरह दे बदलाव, और पॉजिटिव यानी सकारात्मक बदलाव दा जो हुंगारा, जो तेरे पैरां विच जिहड़ा है ना जोश ओह धड़क रहा है, उसका ध्यान रख। नाच पैरां विच धड़के अज नवां, अंग विच कोई हुलारा दोस्ता। और तेरे पैरां विच भी नवीं धड़कन है, तेरे अंग अंग विच जो नवीं धड़कन वो बोल रही है, वो तेनू कह रही है भी अगे वध, क्योंकि समा बदल रहा है, युग बदल रहा है, और जो युग दे इशारे तेरे वल हो रहे हैं भी तू जाग, अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग कर, वरतों कर, ते इस मंजिल नू प्राप्त कर। दो कदम दी विथ ते मंजिल तेरी, तेरी मंजिल दूर नहीं है, बस ऐ रही मंजिल तेरी बहुत नेड़े है। इहदा मतलब जे तू हलाशेरी दिखाएगा, जे तू कोशिश करेगा, जे तू पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक जो अपना दृष्टिकोण अपनाएगा, तो तेरी मंजिल से दो कदम ऐ रही, तेरी कदम मंजिल दो कदम ती विथ ते है। तुर जरा होके करारा दोस्ता, और तो एकदम सावधान होके करारा होके चुस्त कदमां नाल उस मंजिल वल वध, क्योंकि उस सिर्फ उन्हां लोकां लई दो कदम दूर है जिहड़े चुस्त ने, जिहड़े ढैंदी कला, जिहड़े निराश हो के चुके ने, मनुख ने पर एकदम पशुआं वाला जीवन बतीत कर रहे ने, उन्हां लई ओह मंजिल बहुत दूर है। पर तू करारा होकर तुरेंगा तो दो कदम की दूरी पर है।
ਢਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈ ਉੱਚਾ ਮਨਾਰਾ ਦੋਸਤਾ ਜੋ ਢਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਟੱਠੇ ਭੱਜੇ ਘਰ ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਛੱਡ ਦੇ ਔਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲੈ ਉੱਚਾ ਮਨਾਰਾ ਦੋਸਤਾ ਮਨਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਨਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੀਵਾਂਪਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਮਨਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਰਥ ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਦੀ ਜੋ ਮਨਚਾਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਸ 2 ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਤਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਗ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕਿ ਉਹ ਢਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਿਛੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮਨਾਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇ ਪਕੜ ਲਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧੌਣ ਚੁੱਕੇ ਵੇਖ ਕਰਦਾ ਸਹਿਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜੋ ਧੌਣ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਚੱਕ ਔਰ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਧੌਣ ਚੁੱਕੇ ਵੇਖ ਕਰਦਾ ਸੈਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੋਸਤਾ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿਸਮਤ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਧੌਣ ਛੱਡ ਦੇ ਔਰ ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗਗਨ ਮੱਲੇ ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੋਸਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਗਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਤੇਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਤੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਗਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਮਾ ਕਿਹੜਾ ਛਿੜਿਆ ਅੱਜ ਦਿਲ ਸਾਜ 'ਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੈਕਾਰਾ ਦੋਸਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਨਗਮਾ ਜੋ ਗੀਤ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੀਤ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੀਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐ ਦੇਖ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਗਮੇ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਜ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੈਕਾਰਾ ਦੋਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਦੋਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਜੋ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਏਂਗਾ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਜਾਏਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਖੇ ਅਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਵੇ ਯਾਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਧੌਣ ਚੁੱਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਮੱਲ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਤਾਰਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਜ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜੈਕਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲਾ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰਾ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ
तेरा ही सगला पसारा दोस्त आ भी है दोस्त यह जो दुनिया दिख रही है ना तेरी रचना है मनुखता की रचना है और यह सारी तेरी सृजनात्मक शक्ति तो पैदा हुई यह सारी तेरे दिमाग की तेरी बुद्धि की तेरी मेहनत की शक्ति तो पैदा हुई सारी दुनिया किरत की कुखों ही सब कुछ जमया किरत का मतलब मेहनत यह जो दुनिया जिन्ना बदलाव है जिन्नी प्राप्तियां ने यह सारिया मेहनत के पेटों जमिया ने मेहनत की कुख विचों पैदा हुई ने हर होर रच अच एक होर रच अच एक होर नज़ारा दोस्ता होर रच अच एक होर नज़ारा दोस्ता भी तेरे सृजनात्मक शक्ति है तेरे कैपैसिटी है तेरे कैलीवर है तेरे समर्था है इस समर्था करके यह जो सारिया प्राप्तियां आकाश से तेरिया चमक रही ने एक होर प्राप्ति कर लै ए मतलब तू भी अगे वध और संसार को बदल के रख दे फिर लिखा है ता के पाले ऐस नू गल वकड़ी चुम लै तू मूँह प्यारा दोस्ता ऐ जो तेरी चंगी होनी है जो चंगी किस्मत है चंगी प्राप्ति है चंगी तकनीक है जिंदगी बदलाव आने वाला है इसनों ता के दौड़ के जफ्फी पा लै इसनों चुम लै इस सफलता नू तू प्यार कर इस विचारधारा नू प्यार कर ता ही तू मनुख ता ही तू अगे वधन वध सकदा है नवियां सफल मंजिलां नू प्राप्त कर सकता है ऐसी साड़ी कविता का मूल पाठ असी इसका केंद्रीय भाव देखते हैं तो इस लिखा हुआ है मनुख किरत दियां अथाह सृजनात्मक शक्तियां का मालक है कवि प्यारा सिंह सराई मनता है भी मनुख बहुत सारी सृजनात्मक शक्ति है उसका मालक है तो उसनों होर अगे वध के रचना नवा संसार सिरज सकता उसनों सिरजना चाहिए नवा संसार इसलिए उसनों होर जोश और होर जोर नाल अगे वधना चाहिए उसनों होर उत्साह ते होर जोर नाल अगे वधना चाहिए उसका भविख उसकी जगमगा रहा उसनों बुलावा दे रहा उसकी वो उसकी अगवानी लिए उसकी सफलता लिए तैयार है समा इस करके उसनों अगे वध के उस प्यारे भविख का मूँह चुम लेना चाहिए इस कविता का कवि कौन है दोस्ता कवि का प्यारा सिंह सहराई प्यारे सिंह सहराई ने केड़ी कविता लिखी है दोस्ता किस तरह की है सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी वाली कविता है इस दे बाद असी लिखा है दोस्ता कवि का नवा नाच शरीर के किस अंग भी धड़कता बड़ा ही छोटा जहा बचकाना जहा सवाल है और उत्तर है पैरों विच उसकी मंजिल किन्नी क दूर है दो कदमों की विथ ते ढारियां च उठ हमला मार के पकड़ लै उच्चा मुनारा दोस्ता इत्थे दोस्ता इत्थे किसनों कहा गया है ढारियां का मतलब है भी तू जिंदगी के पिछड़ेपन तो जिंदगी दे पिछले विचारधारा तो निकल के सफलता दी नवीं मंजिलों प्राप्त कर लै उन्हें धौन चुकनी चाहिए धौन चुकने का मतलब है अपने कॉन्फिडेंस अपने 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 शुभ विचारों में आना चाहिए उसनों अपने हौसले में आना चाहिए है ये मूल सुर की है कि उपदेशात्मक है कि भावात्मक है कि व्याख्यात्मक है कि नकारात्मक है सानू पता है भी यह उपदेशात्मक है उसनों कोई सिक्ख्या दे रहा है इस कविता का सार भी तुसी देखिया प्रश्न उत्तर भी देखे और इसनों अपने मन में वसा के असी अपनी जिंदगी जो इस समय साडा जो फेस चल रहा पढ़ाई का असी उस अगे निकलना है और सफलता दियाँ नवीं मंजिल प्राप्त करनिया ने वो मंजिल साढ़े तो दो कदम दूर ने असी बस दिन रात पढ़ना है अपनी नज़र उच्ची करके कॉन्फिडेंस नाल पढ़ना है आत्मविश्वास नाल पढ़ना है और मैं आस है कि आप सब अपने इम्तिहानों में चंगे नंबर से पास हो क्योंकि तुहाड़ी मंजिल उही है तुसी उस मंजिल नू जिहड़ा वो अपनी पकड़ विच लैना है और सारा जमाना तुहाड़े वल देख रहा तुहाड़ी सफलता नू खिड़े मत्थे स्वीकार करने तैयार है मैनू आस है आप जी इस अपील नू इस हलाशेरी नू अपने मन विच थां दिओगे और अपने भविख में आप सवारन विच अपनी मदद करोगे इस वीडियो विच जे कोई गलती होगी तो खिमा करना इस वीडियो बारे जे कोई तुहाडा अपना ख्याल है अपना कोई व्यूज़ ने तो कमेंट बॉक्स जरूर शेयर करो और हाँ बैल आइकन जरूर दबाओ ताकि अगली वीडियो तुहानू समय सिर प्राप्त हो सके तुसी चंगी पढ़ाई कर सको आग्या बख्शो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ जेकर वीडियो आपनूं पसंद आए तो लाइक करो ते इस वीडियो नूं होरां नाल वध तों वध शेयर करो।